ragavaya Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram आशीर्वाद लेंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो राघवाय, बोलिए प्रेम से, बोलिए गुरुदेव के सामने, बोलिए नमो राघवाय, नमो राघवाय। शांति बनाए रखें सभी लोग। सभी लोग शांति बनाए रखें। हाँ हाँ, गौतम सिंह, गौतम सिंह आप आइए, आइए। हाँ हाँ, शुक्ला जी गौतम सिंह को आने दीजिए। गौतम सिंह और डॉक्टर और उनकी वाइफ आइए। गौतम सिंह, गौतम सिंह उनका नाम लिखा है ना।
शैलेश पांडे जी, आशीष मिश्रा जी, इंद्रजीत उपाध्याय जी, चंद्रकांत दुबे जी, राम अवतार राय, रमेश शुक्ला, मुकेश शुक्ला एंड फैमिली, मंगेश आत्माराम चाचे जी, मनीष शुक्ला जी, संतोष चौबे जी, नित्यानंद राय जी, नित्यानंद शर्मा जी, अंकित तिवारी, जितेंद्र मिश्रा, डॉक्टर दयानंद तिवारी, मनोज सिंह, गौतम सिंह जी, कृपया निवेदन है, शांति बनाए रखिए, प्लीज शांति बनाए रखिए, प्लीज शांति बनाए रखिए। गौतम सिंह आ जाइए। शशिभूषण जी, ए सुशील, सुशील गौतम जी को भेजिए ना, भाभी जी और गौतम जी को भेजिए, वहां खड़े हैं। गौतम भेजा ना यार, गौतम के आइए, और एक का नाम भी आइए आइए। पादुका पूजन के सभी यजमानों से आग्रह, आप सभी लोग बैठ जाएं, आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरशुचिः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु अथा च मनम्। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री राम भद्राय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। हस्तो प्रक्षाल्य श्री सीतारामाभ्यां नमो नमः। अथ ध्यानम्। ओम मूर्धानन्दिवो रतिं पृथिव्या वैश्वानरमृता जातमग्निम् कविगुं सम्राजमतिथिञ्जनानामासन्न पात्रञ्जनयन्त देवाः। ध्यायामि श्रीमज्जगुरवे नमः। चरणकमलपादुकाभ्यां नमो नमः। अथ स्नानम्। ओं मा शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आश्विनः सेतः सेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रुद्रान भूरूपाः पार्जन्याः इष्टानीं समर्पयामि। ओं गंधद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टां करिष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवेश्वरीं गंधं विलेपयामि। ओं माक्षन्नमी मदन्तह्यवप्रिया अधूघत अस्तोघत स्वभानवो विप्राणविष्टय मतीजो जानवीन्द्रते हरियक्षतां समर्पयामि। ओं मा ओखधीः प्रतिमोदत्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अश्वायुवसत्वरीर्भीरुधः पारैष्णवः पुष्पाणि पुष्पमालां च समर्पयामि। ओं मा ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य वैश्यः पद्भ्यागुणशूद्रो अजायत धूपमाघ्रापयामि। ओं मा चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखाद्ग्निरजायत प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि। हस्तो प्रक्षाल्य नैवेद्यं पुरतो निधाय। ओं मा नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं शीर्षोदौः समवर्तत पृथिव्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रार्थ तथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि। ओं प्राणाय स्वाहा। ओं अपानाय स्वाहा। ओं व्यानाय स्वाहा। ओं समानाय स्वाहा। ओं उदानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पानीयमत्र पोषाणं समर्पयामि। फलं निवेदयामि। पूजायाः साधुनार्थे द्रवदक्षिणाम्। ओं मा हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् षदाधार पृथिवीं द्यामुते माङ्कस्मै देवाय हविखा विधेम। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। आप सब लोग भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च गुरुस्त्वमेव
त्वमेव सर्वं मम देव देव प्रार्थना पूर्वक अनंत कोटि नमस्कार जलम समर्पयामि श्रीमद् जगद्गुरवे नमः चरण कमल पादुकाभ्यां नमो नमः अथ वर्तमान श्री जगद्गुरुणां पूजनम् हरिः ओम मा बृहस्पते अतिजदर्यो अर्हाद्विमद्विभाति क्रतुमज्जनेखु जद्दीदयच्छव शरित प्रजात तदस्मा शुद्रविडन्धेहि चित्रम् श्रीसीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरु परम्पराम् बोलिए भगवत पजपा जगद्गुरु रामानन्दाचार्य भगवान की जय हो श्री चित्रकूट तुलसी पीठादि सरकार के जय हो श्री आचार्य चरण के जय श्री सद्गुरुदेव भगवान के जय धर्म के जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गो माता गंगा माता भारत माता की जय सत्य सनातन धर्म की जय श्री राम कथा महामहोत्सव की जय श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय श्री गणपति भगवान की जय जय श्री सीताराम। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश से पधारे हुए भदोही के विधायक आदरणीय रविंद्र त्रिपाठी जी माल्यार्पण कर रहे हैं, साथ में बड़े भाई विनोद मिश्रा जी, यहाँ के स्थानिक नगर सेवक आत्माराम चाचे जी, मनीष कालरिया जी जो हमारे यहाँ आयोजक हैं, सुरेंद्र शुक्ला जी बस्ती के यहाँ बस्ती के ब्लॉक प्रमुख यहाँ पधारे हैं, वो माल्यार्पण कर रहे हैं गुरु जी को, साथ में वीरेंद्र सिंह जी और रविशंकर शुक्ला जी, सभी महानुभाव माल्यार्पण करके माल्यार्पण करने के बाद अपने जगह पर पधारे गए। जो यहाँ पर पादुका पूजन कर चुके हैं उनसे नम्र निवेदन है कृपया वो अपने स्थान पर पधारें। मेरा सभी लोग से नम्र निवेदन है कृपया पादुका पूजन करने वालों से कि वो अपने स्थान पर पधारें। प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, आप सबसे हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है कि पादुका पूजन करने के बाद आप लोग अपने स्थान पर पधारें। सभी आदरणीय महानुभाव जो यहाँ आए हुए हैं पादुका पूजन उनका हो गया है, उन सबसे निवेदन है कृपया वो अपने स्थान पर पधारें। जो हमारे मान्यवर अतिथि यहाँ पर आए हुए हैं उत्तर प्रदेश से विधायक भदोही के आदरणीय रविंद्र त्रिपाठी जी माल्यार्पण कर रहे हैं, स्थानिक नगर सेवक आत्माराम चाचे जी, मनीष कलारिया जी, सुरेंद्र शुक्ला बस्ती के ब्लॉक प्रमुख हैं वो भी आए हुए हैं, आदरणीय रविशंकर शुक्ला जी और भाई वीरेंद्र सिंह जी, सभी महानुभाव से निवेदन है माल्यार्पण करने के बाद वो अपने स्थान पर पधारें। जिन सभी सज्जन का हो गया है पादुका पूजन उनसे रिक्वेस्ट है कृपया मंच से नीचे आएंगे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। संजय परटकर जी, सभी से निवेदन है कृपया जिनका पादुका पूजन हो गया है मंच से नीचे आएंगे करके। मेरा रिक्वेस्ट है आदरणीय मनोज सिंह जी से जो महानुभाव यहाँ पादुका पूजन कर चुके हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कृपया मंच से नीचे आएंगे। हमारे अतिथि आदरणीय विधायक भदोही के रविंद्र त्रिपाठी जी माल्यार्पण करते हुए, आत्माराम चाचे स्थानिक नगर सेवक माल्यार्पण करते हुए गुरु जी को, मनीष कलारिया जी बस्ती के ब्लॉक प्रमुख आदरणीय सुरेंद्र शुक्ला जी, बड़े भाई वीरेंद्र सिंह जी और रविशंकर शुक्ला जी, गुरु जी को माल्यार्पण करने के पश्चात आप सभी महानुभाव से रिक्वेस्ट है कि कृपया आप अपने स्थान पर पधारें। धन्यवाद। सभी महानुभाव से रिक्वेस्ट है कृपया मंच, जिनका माल्यार्पण हो गया है उन सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कृपया मंच से नीचे जाकर अपना स्थान ग्रहण करें। कथा का आनंद
नमो राघव नमो राघवाय नमो राघवाय नमो राघवाय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय नित्य प्रति समर्चनीय श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के मंगलमय उपस्थिति हम सभी के समक्ष हो चुकी है। एक बार जोरदार तालियों के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों के प्रति वंदन करते हुए हम सभी लोग आज के सत्र की ओर चलेंगे। हम सबका सौभाग्य है एक ऐसे महापुरुष को हम सब अपने इन चर्म चक्षुओं द्वारा देख पा रहे हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन चाहे संतों की सेवा में हो, चाहे समाज की सेवा में हो, चाहे साहित्य की सेवा में हो, इन तीनों सेवा की त्रिवेणी में समर्पित कर दिया। संत सेवा के रूप में रामानंदीय वैष्णव परंपरा के प्रधान पीठ आचार्य पीठ श्री तुलसी पीठ की स्थापना की। समाज सेवा के रूप में आप सब जानते हैं पूज्य गुरुदेव ने जिनके लिए अपना जीवन समर्पित किया, ऐसे दिव्यांगों के लिए दुनिया का एकमात्र विश्वविद्यालय, सबसे पहला विश्वविद्यालय जगतगुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा, जो दिव्यांग बच्चे जो दिव्यांग भाई बहन अपने परिवार के लिए स्वयं अपने लिए भार थे, जिनको परिवार नहीं अपनाना चाहता था, आज वही दिव्यांग बच्चे अपने पूरे परिवार का भार स्वयं अपने ऊपर लेकर जीवन को प्रसन्नता के साथ व्यतीत कर रहे हैं। 10,000 से अधिक छात्रों को लगभग उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरी मिली। आप समझिए कि जो दिव्यांग स्वयं अपने ऊपर भार थे, समाज के ऊपर भार थे, आज वह उसी विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके आज स्वावलंबी बने हैं, परिवार के लिए समाज के लिए एक प्रेरणा बने हैं, और आज समाज में भी वह अपनी सुगंधि ऐसी फैला रहे हैं कि जैसे किसी बगिया में फूल फैलाता है। पूज्य गुरुदेव ने अपना पूरा जीवन दिव्यांगों के लिए समर्पित किया, और एक ही सूत्र पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मानवता है मेरा मंदिर, मैं हूं उसका एक पुजारी, हैं दिव्यांग महेश्वर मेरे, मैं हूं उनका कृपा भिखारी। अभी जब पूज्य गुरुदेव का अमृत महोत्सव हम अयोध्या जी में मनाएंगे, आप में से बहुत लोग उपस्थित होंगे, बहुत लोग टेलीविजन के माध्यम से वहां के उन कार्यक्रमों को देखेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से देखेंगे। आपको देखकर आश्चर्य होगा कि जिन दिव्यांग बच्चों के दोनों हाथ नहीं हैं, वह अपने पैरों के प्रयोग से पैरों में ब्रश पकड़कर जीवंत चित्रण करते हैं, जीवंत चित्र बनाते हैं। समाज के द्वारा जो भी गुरुदेव को प्राप्त हुआ, वह एक एक कण एक एक रुपया पूज्य गुरुदेव ने समाज की सेवा में ही लगाया। और बात करें साहित्य सेवा की, तो अब तक पूज्य गुरुदेव ने इतनी व्यस्तता और इस परिस्थितियों में रहते हुए लगभग 230 से अधिक ग्रंथों की रचना की, जिसमें अभी हाल ही में 2 महीने पूर्व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी चित्रकूट आश्रम पूज्य गुरुदेव के दर्शनार्थ पधारे, उन्होंने पूज्य गुरुदेव के एक पुस्तक का विमोचन किया। आप सब जानते हैं, हम आप समाज में रहते हैं, कोई 50 पन्ने की भी किताब लिखता है तो बड़ी प्रसन्नता के साथ समाज में दिखाता है। पूज्य गुरुदेव ने कोई 150 पन्ने की किताब नहीं लिखी, अपितु 10,000 पृष्ठों में एक ग्रंथ की रचना की, महाभाष्य लिखा, और उसमें 50,000 से अधिक श्लोकों की रचना पूज्य गुरुदेव ने स्वयं से की। आप जानते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी की यह अद्भुत प्रथम रचना
वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं, लेकिन उन्हीं सबके आशीर्वाद से पूज्य गुरुदेव ने पाणिनि अष्टाध्यायी की व्याख्या में 10,000 से अधिक पृष्ठों में 50,000 से अधिक श्लोकों में पूज्य गुरुदेव ने की। तो क्या एक ऐसे महापुरुष के सानिध्य में हम सब बैठे हैं और एक बहुत अद्भुत सुअवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है, जब भव्य दिव्य नव्य मंदिर में श्री रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, उनके साथ ही पूज्य गुरुदेव का अमृत महोत्सव भी पूरा राघव परिवार और देश दुनिया में पूज्य गुरुदेव के जितने प्रेमी हैं सब मिलकर मना रहे हैं। आप में आप प्रत्यक्ष रूप से अथवा टेलीविजन के माध्यम से जो भी श्रोता इस कथा को सुन रहे हैं, जो भी लोग इस अमृत महोत्सव से जुड़ना चाहते हैं अथवा अपना सहयोग अपना समर्पण देना चाहते हैं अथवा यजमान के रूप में सम्मिलित होना चाहते हैं, उन सभी से आग्रह है, जो लोग टेलीविजन पर सुन रहे हैं वो नीचे दिए जा रहे हैं नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, और जो लोग यहाँ प्रत्यक्ष सुन रहे हैं, बाहर पूज्य गुरुदेव के साहित्य स्टॉल के बगल में ही रामानंद मिशन का कार्यालय लगा हुआ है, अमृत महोत्सव का कार्यालय है, आप जाकर वहाँ संपर्क करके अयोध्या जी में आयोजित हो रहे अमृत महोत्सव की प्रत्येक गतिविधियों की जानकारी आप ले सकते हैं और अपना समर्पण देकर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब आचार्य चरणों की वृंदावली के साथ आज की दिव्य कथा यात्रा की ओर हम सब चलते हैं। श्रीमद राघव विजयते ताराम, अर्चनीय आचार्य चरणानाम वृंदावली है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। रामानंदाचार्य मंदाकिनी विमल शैलासिक्तम तुलसी पीठाधीश्वर देवम जगद्गुरुम वंदे। श्रीमद सीताराम पद्म पराग मकरंद मधुव्रत श्री संप्रदाय प्रवर्तक सकल शास्त्रार्थ महानव मंदरमती श्रीमदाद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य चरणारविंद चंचरिका समस्त वैष्णवालंकार भूता आर्सवांग में निगमागम प्राण इतिहास सन्निहित गंभीर तत्वान्वेषण तत्परा पदवाक्य प्रमाण पारावार पारिणा सांख्योग न्याय वैशिष्टिक पूर्व मीमांसा वेदांत नारद सांडिल्य भक्ति सूत्र गीता वाल्मीकि रामायण भागवतादि सिद्धांत बोध पुरुष सरसमधिकृता शेष तुलसीदास साहित्य सौहित्य स्वाध्याय प्रवचन व्याख्यान परम प्रवीणा सनातन धर्म संरक्षण धुरीणा चतुराश्रम चातुर्य मर्यादा संरक्षण विचक्षणा अनाद्य विच्छिन्न सदगुरु परंपरा प्राप्त श्रीमद सीताराम भक्ति भागीरथी विगाहन विमलीकृत मानसा श्रीमद राम चरित मानस राजमराला सततम शिशुरूप राघव लालन तत्परा समस्त प्राच्य प्रतीच्य विद्या विनोदित पश्चित राष्ट्रभाषा गिरवाण गिरा महाकवय विद्वन्मूर्धन्या श्रीमद राम प्रेम साधन धनधन्या शास्त्रार्थ रसिक शिरोमण्य विशिष्टाद्वैतवादानुवर्तिन परमहंस परिव्राजकाचार्य त्रिंडीवर्या श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठा प्रस्थानत्रयी भाष्यकारा उत्तर प्रदेशस्थ जगद्गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूटस्य जीवन पर्यंत कुलाधिपतयः श्रीवाणी पुरस्कार समलंकृताः वाचस्पतयः महामहोपाध्यायाः राष्ट्रपति पुरस्कृताः साहित्य अकादम्या पुरस्कृताः भारत राष्ट्रपतिना पद्म विभूषणेन विभूषिताः वैष्णव सार्वभौमाः श्री चित्रकूटस्थ मंदाकिनी विमल पुलिन निवासिनः श्री तुलसी पीठाधीश्वराः धर्म चक्रवर्तिनः श्रीमद् जगद्गुरु रामानंदाचार्याः अनंत श्री समलंकृत स्वामी श्री रामभद्राचार्य महाराजाः विजयन्ते तराम विजयन्ते तराम विजयन्ते तराम। जय हो जय हो। श्रीमद् राघवो विजयते तराम नीलांबुजश्यामलकोमलांगम सीतासमारोपितवामभागम
पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि जयति कविकुमुदचन्द्र तुलसी हृद्धर्षवर्धनस्तुलसी सुजन चकोर कदम्बो यत्कविता कौमुदीं पिबती तुलसीं तुलसीपीठं सीतारामौ च लक्ष्मणम् मन्दाकिनीं चित्रकूटं कामदं महर्षिं स्तुवे श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फलचारी श्री रामचरित मानस विमल कथा करूं चित चाई आसन आई विराजिए श्री पवन पुत्र हर्षाई। सभी लोग बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। क्या बात है, मैं भी ताली बजाता हूं। बहुत अच्छे। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री सीता राम। राम सब प्रेम से बोली तो आनंद आएगा। अरे राम कहो आराम मिलेगा, खाने को खाने को बादाम मिलेगा और भोजन सुबह और शाम मिलेगा। जय श्री राम। आइए बहुत प्रेम से चर्चा करें। सीता राम जय सीता राम। 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 सीता राम सीता राम।
राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम तुलसी सीताराम कहू हृदय राख विश्वास कहो विगत ना सुन श्री सीताराम सियावर राम जन भगवान की दाहिनी ओर कौन हो अच्छा तुम परमानंद पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की परिपूर्णतम पर परमात्मा पर ब्रह्म परमेश्वर सर्वांतर्यामी सर्व सर्वेश्वर भगवान श्री सीताराम जी की भुवन पावनी कृपा से हमारी भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के मलाड नामक सुंदर क्षेत्र में हमारे बालकों के द्वारा विनोद मिश्रा और उनकी टीम के द्वारा समायोजित मेरी श्री राम कथा श्रृंखला की 1381वीं श्री राम कथा के तृतीय सत्र में समवेत सभी माताओं बहनों मित्रों बालिकाओं और बालकों का और मेरे फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे सभी माताओं बहनों मित्रों बालिकाओं बालकों का संत जन का विद्वत जन का मैं प्रसन्नता पूर्वक मंगला शासन करता हूं आप सबका मंगल हो। आनंद हो रहा है हम यह कह रहे हैं कि विधो मही पूर मयू खनी रवि तब जितने काज मागे बारिद दे जल रामचंद्र के राम गोस्वामी जी ने राम जी को चंद्र कहा चंद्रमा में 16 कलाएं होती हैं हमारे राम रूप चंद्रमा में भी 16 कलाएं हैं बड़ी सुंदर लीला है आपको कैसे बताएं कितना आनंद है हमारे यहां 108 की संख्या बड़ी अच्छी मानी जाती है ना और तुम लोग जानते हो कि हम लोगों की माला में सामान्य माला में कितनी मनियां होती है 108 होती है ना 108 होती है और कुछ लोगों का मानना है कि
कि 108 मनियां इसलिए होती हैं, ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ है, ब्रह्म में 108 वर्णमाला गिने तो 108 ब्रह्म का हो जाता है। ब्रह्म ब ये 23वां अक्षर है व्यंजन का, कख ग घ ङ प फ च च ज ज ञ ट ट ड ढ ञ त थ द ध न प फ ब। और ब्र 27वां अक्षर है, पांच वर्ग हो गए पांच पांच अक्षर के, या र तो 23 और 27 क्या सुंदर, 23 और 27 कितना हुआ 50। हाँ ये 33वां अक्षर है, 50 और 33 कितना हुआ 83। म 25वां अक्षर है, 83 और 25 108। तो ब्रह्म में 108 होते हैं, इसे हम लोग 108 की माला करते हैं। तो हमने कहा संयोग ये है कि सीताराम में भी 108 हो जाता है, गिनिए चलिए। स ये है 32वां अक्षर, बड़ी की मात्रा आ आ ई ई 32 और 4 36। त 16वां अक्षर 36 36 और 16 52। आ दूसरा अक्षर आ आ 52 2 54 सीता। और आगे सुनिए, तो आगे सुन तो फिर अच्छी ताली बजाएंगे। और राम में र 27वां अक्षर, आ की मात्रा 27 2 29, म 25 29 और 25 54। इतनी अच्छी गणना बैठी है, 54 और 54 जब मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 100। क्या बात है, तो सीता राम जी हमारे एक सवाल, इसीलिए रामायण जी में रामायण जी के सातों कांड अच्छा और 108 में सात का भाग दीजिए बताइए कितना हो जाएगा, आप लोग देख के निकालो गणित। आनंद है, अरे सीधे 16 का पहाड़ा पढ़ो, 16 के 16 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 4 64, 16 85, 16 96 और 16 7 100। भाई 16 7 108 होता है ना, इसका अर्थ है। और रामायण जी में कांड कितने हैं 7,
बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड, गोस्वामी और सब में रामचंद्र जी हैं। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जब सभी कांडों में रामचंद्र हैं, सब में 16 कलाएं हैं राम जी की, अद्भुत चरित्र है। अद्भुत चरित्र है और अद्भुत कथा है। तो चलिए पहले बालकांड से प्रारंभ करते हैं। सोलहों कलाएं आपको बालकांड में दिखेंगी राम जी की। जय जय बंदो कौसल्या दिशि प्राची, बंदो कौसल्या दिशि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची, कीरति जासु सकल जग माची, प्रगटे उजह रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु, बंदो कौसल्या आनंद आ रहा है मित्रों। आनंद कर रहे हैं। पहली कला का नाम है अमृता। राम बाल कांड में 16 कलाएं हैं राम जी की। राम जी की कथा ही अमृत है। यहीं से मैं प्रारंभ करता हूं। भगवान राम की कथा ही अमृत है। चलिए प्रारंभ करें। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरषि सुधा सम गिरा उचारी, हरषिसुधासम गिरा उचारी। मुंबई के श्रोता बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे सुनाने का भी बहुत मन रहता है। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरषिसुधासम गिरा उचारी। यहीं से कलाओं का प्रारंभ हो रहा है। यहीं से कला का प्रारंभ। करी प्रणाम और एक आनंद के। अच्छा बताइए शिव जी पीते क्या हैं? पीते हैं विष और उगलते हैं अमृत। ये सबसे बड़ी बात है। आहा पिया तो विष जरत सकल सुर वृंद, रामकंदास अरे विषम गरल जही पान के दीनानाथ। और ध्यान से देखो, पिया विष जरत सकल सुर वृंद और विषम गरल जही पान किए, तेही न भजसि मति मंद को कृपालु शंकर सरिस। पिया बीस और करे प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, करे प्रणाम राम
भासम गिरा उचारे हर्ष सुधासम गिरा उचारे हर्ष सुधासम गिरा उचारे उगल रहे हैं सुधा माने अमृत अब प्रारंभ में भी सुधा और पार्वती जी अंत में भी कहती हैं अंत में भी कहती हैं क्या आनंद उत्तरकांड के 52वें दोहे ख में नाथ तवानन शशि श्रवत और कथा सुधार रघुवीर श्रवणि पुटनि मन पान करे नहीं अगात मति धीर सुधा अद्भुत आनंद हो रहा है अमृता कथा का प्रारंभ कर रहे हैं सबको जिलाई तो रहे हैं राम जी सनकादि ने जय विजय को श्राप दिया जय विजय को श्राप वही जय विजय हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बने रावण कुंभकर्ण बने शिशुपाल बकरदंत बने दंतवक वहां भी जिलाया भगवान ने एक आपको और आनंद बताऊं आपको आश्चर्य लगेगा इतने सुंदर है हमारे रामचंद्र राम कि शत्रु को भी अमृता कला दे दी रावण को भी अमृता कला मिल गई सुधा मिल गई उसने नाभ में रख लिया नाभि कुंड सुधा बस जाके नाथ जियत रावण बलताके क्या आनंद इतना प्रेम चंद्रमा सुधाकर है गोस्वामी जी कहते हैं रावण आरे सुख रूप भूपवर राम नारे सुख रूप भूपवर राम नारे सुख रूप भूपवर राम दशरथ कुल कुमुद सुधाकर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर ये देखिए क्या सुंदर रावणारि सुखरूप भूपवर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा क्रमांक 51 पंक्त क्रमांक 6 आ अमृत ही अमृत है भगवान राम की कथा और ब्रजांगना भी कहती है भागवत जी में
तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीरितं कल्मषापहं भगवान की कथा ही अमृत है। जय हो, क्या बात है, ये कैसा चंद्रमा है हो, क्यों क्यों माताओं बहनों, हम तो भूतपूर्व में कहा हमारी विनोद जी की मिश्रा की पत्नी भी भोजपुरी बहुत अच्छा बोलती है, यहाँ बहुत लोग बोलते हैं, तो हम तो कह सकेला हो, कहा कह सकेला हम, ऐसन चंदन देखले भुवन में, ऐसन चंदन देखले भुवन में, जेकर शोभा भरल त्रिभुवन में, त्रिभुवन में, जेकर शोभा भरल त्रिभुवन में, त्रिभुवन में, ऐसन चंदन देखले भुवन में, ऐसन चंदन देखले भुवन में, जेकर शोभा भरल त्रिभुवन में, त्रिभुवन में, जेकर शोभा भरल त्रिभुवन में, त्रिभुवन में, ऐसन चंदन देखले भुवन में, ऐसन चंदन देखले भुवन में, इतना सुंदर चंद्रमा हो, हैं? गुजराती कहेगा क्यों रूड़ो चंद्रमा, रामचंद्र जी साक्षात चंद्रमा थे, निष्कलंक चंद्रमा, निर्दोष चंद्रमा, रामचंद्र जी कभी अपूर्ण रहते ही नहीं, तीस तीसों दिन पूर्ण रहते हैं राम जी, ओ चंद्रमा एक दिन पूर्ण होता है, वो एक दिन पूर्ण होता है, कृष्ण पक्ष में घटता है, शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, एक दिन में पूर्ण होता है, और हमारे राम जी दोनों पक्षों में न घटते हैं न बढ़ते हैं, चकाचक एक रस रहते हैं, पक्ष दोनों आते हैं राम जी के साथ में, विवाह काल में शुक्ल पक्ष आया और वनवास काल में कृष्ण पक्ष आया, उस चंद्रमा के लिए 14 दिन का आता है, यहां 14 वर्षों का कृष्ण पक्ष आया, पर रामचंद्र जी चंद्रमा बने रहे, पूर्ण बने रहे, एक टक सब सोहे ही चहुरा, एक टक सब सोहे चहुरा, रामचंद्र मुख
चंद्र चकरा राम चंद्र मोहरा एक टक सम सोह ही चहोरा एक टक सम सोह चहोरा राम चंद्र मुख चंद्र चकोरा राम चंद्र मुख चंद्र चकोरा राम चंद्र मुख क्या बात है चंद्रमा इतना सुंदर चंद्रमा कि शत्रु को भी जब सुधाकर है तो शत्रु को भी सुधा दे दी। गलती ये हो गई कि संत जन ये सुधा कंठ में धारण करते हैं और रावण ने नाभि में धारण कर लिया, यही गड़बड़ हो गया, यही गड़बड़ हो गया। ये सुधा संत जन कहां धारण करते बताइए, कंठ में। अब धौ विधौ विधु मुखे अब धौ विधौ बधु मुखे ससिनाम निवासे स्वर्गे सुधामिति मुधा कवयो वदन्ति शारात क्षयात पतिमृदे पतनात भयाच कंठे सुधा वसति वै भगवत जनानाम। इस सुधा भगवान के भक्त की कंठ में रहती है, अच्छी लगती है और रावण ने कंठ में नहीं रखा, नाभि में डाल दिया, अपमान हुआ, इसे रावण का भगवान राम ने वध किया। आनंद कहा अब देखिए ना, एक चर्चा करके फिर और आगे चर्चा करूंगा। इतनी सुंदर सुधा है ये, सीता जी इसको श्रवणामृत कह रही है। क्या कह रही है? श्रवणामृत। क्या सीता जी के जीने की कोई संभावना थी? पांच लोगों से सीता जी ने अग्नि मांगी, त्रिजटासन बोली कर जोरी त्रिजटासन बोली कर जोरी माँ तो विपत संग तैमोरी माँ तो विपत संग तैमोरी माँ तो विपत संग त्रिजता से अग्नि मांगी, आन काठ चिता बनाई, त्रिजता ने कहा मां कभी अपनी बेटी को अग्नि नहीं देती, ब्रह्मा से आग मांगा कब सीता विधवा प्रतिकूला, ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पास तो जल है अग्नि नहीं है, तारागुण से अग्नि मांगी, तारागुण का मेरे पास अग्निहोत्र का अग्नि है, ये मुखाग्नि का अग्नि नहीं है, चंद्रमा से अग्नि मांगी, चंद्रमा का मेरे पास तो अमृत है अग्नि नहीं है, अशोक से अग्नि मांगी, अशोक ने कहा मैं अग्नि तो मेरे पास अग्नि तो है पर सीते तुम मेरी बहन हो मैं भाई हूं, भाई बहन को अग्नि नहीं देता, भाई बहन को आग नहीं देता, भाई बहन को अनुराग देता है।
हनुमान जी ने कहा मैं दे रहा हूं अग्नि। हनुमान जी ने अमृत की वर्षा कर दी। रामचंद्र गुण भरण लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुन कर सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बढ़ने लगा, जब चंद्रमा का गुण बढ़े तो दुख भाग गया। सीता जी मरने से बच गई। जय हो जय हो जय हो। पांच लोगों से नोट करो यहां मित्रों, पांच लोगों से सीता जी अग्नि मांगी थी और हनुमान जी ने राम जी की पांचों लीलाएं सुना दी। बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला, राज्य लीला। बाल लीला की कथा सुनाई तो त्रिजता से त्रिजता की अग्नि शांत हो गई। विवाह लीला सुनाई ब्रह्मा जी की अग्नि शांत, वन लीला सुनाई ऋषियों की अग्नि शांत, रण लीला सुनाई चंद्रमा की अग्नि शांत, राज्य लीला सुनाई अशोक की अग्नि शांत। चकाचक अमृत मिल गया सीता जी को। जय जय राम चंद्र गुण बर नहीं लागा, राम चंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, कर दुख भागा, कर दुख भागा, सुनत कर दुख भागा। सीता जी कह रही हे हनुमान जी, ये श्रवणामृत है, श्रवणामृत जही कथा सुहाई, श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कहउ सुप्रगट होत कीन भाई, कहउ सुप्रगट होत के। ये देखिए सुधा, ये देखिए सुधा अमित है, इतनी मीठा, इतनी मिठास, चकाचक आनंद हो जाता है। हम लोग कोई मीठी वस्तु खा लें क्या दोष होता हूं, डॉक्टर क्या कहते हैं, मीठी वस्तु खाने पर शुगर बढ़ जाती है, डायबिटीज बढ़ जाती है, शक्कर बढ़ जाती है, मधुमेह हो जाता है, मधुमेह हो जाता है। राम कथा सुधा पीने पर सारे रोग दूर हो जाते हैं, संस्कृति रोग सजीवनी मूल।
गावहि श्रुति सूरी राम राम कथा गावहि श्रुति सूरी श्रेष्ठ रोग गावहि श्रुति सूरी। क्या आनंद है अष्टमी श्री वेद स्तुति में श्रुति ने कहा इति तव सूरयस्त्र खिल त्रधिपते खिल लोकमल क्षपण कथामृताब्धि मव गाह्य तपांसि जहु किमुत पुनः स्वधाम विधिता विधुताशय काल गुणा परम भजन्ति ये पद मजस्र सुखानुभवम। तो भगवान की कथा अमृत है, अये रामचरितमानस उसका महासागर है और आगे भी कहेंगे दुरधिगमात्म तत्व निगमाय तवात तनुष चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणा। क्या आनंद है, इसलिए प्रकृति में अमृता जय विजय मर रहे थे, भगवान ने मरने से बचा लिया। जालंधर की पत्नी वृंदा ने श्राप दिया भगवान को, जालंधर रावण बना वही मर रहा था, भगवान ने बचा लिया। नारद जी ने रुद्रगणों को रावण कुंभकर्ण बनाया, भगवान ने मरने से बचा लिया। ब्राह्मण ने साप देकर प्रताप भान को रावण बनाया, भगवान का मैं सुधा दे रहा हूं, जब भी रावण होगा उसकी नाभि में सुधा रहेगी। भगवान की कथा ही सुधा है। ये तो नाभि कुंड सुधा बस या के शाणी खुद नामक ग्राम में राजदेव बरसा दिया। मृतक जियावनी
गिरा सुहाई के आवे गिरा सुहाई श्रवण रंध्र हुई उर जब आई श्रवण रंध्र हुई उर जब आई हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाई हृष्ट पुष्ट तन भय अब ही भवन ते आए मानो अब ही भवन आए आनंद कर दिया भगवान ने अमृता कला मिल गई किसको मन को मृतक जियांगों ने गिरा सुहाई मृतक को जिलाने वाली गिरा वाणी मिल गई जय जयकार हो गया जय जयकार मनु मनु और शत्रुपा को नया जीवन मिल गया पर मनु और शत्रुपा ने कहा हमें अमृत चाहिए अमृत एक तो पेय अमृत होता है और वेद के अनुसार ब्रह्म को भी अमृत कहते हैं भगवान को भी अमृत कहते हैं श्रृणवंत विश्व अमृतस्य पुत्राः इस सारा संसार अमृत का पुत्र है भगवान अमृत है भगवान अमृत प्रकट हो रहे हैं भगवान नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम लाज तन शोभान रखी कोटि कोटि सतकाम तन शोभान रखे कोटि कोटि सतकाम आनंद कर दिया मनु मनु शत्रुपा अमृत पी रहे हैं पी रहे हैं जय हो जय हो जय हो छवि के सागर हैं छवि समुद्र हरि रूप बिलो की एक जग रहे नैन पलों की चितवही सादर रूप अनुपा न मान ही मन शत्रुपा न मान मन शत्रुपा मन शत्रुपा मनु और शत्रुपा को तृप्ति ही नहीं हो रही है अमृत यों समझो अब तक तो अमृत द्रव था अब घन हो गया अरे रस तो सुंदर होता ही है और वही रस जब रसगुल्ला बन जाता तब क्या होता है तब तो बहुत सुंदर हो जाता है कि नहीं उसी प्रकार अब तक अमृत द्रव था अब वही घन हो गया अरे भाई हमारे मुंबई में हमारे मुंबई में ना आइसक्रीम बहुत मिलता है आइसक्रीम मिलता बहुत मिलता आइसक्रीम कितना सुंदर होता है कि पहले मूल में क्या था पहले द्रव ही तो था ना उसको जमा कर आइसक्रीम बना दिया
तो भगवान अमृत हैं, वही भगवान भक्त के प्रेम के में जमकर आइसक्रीम की भांति हो गए हैं, चकाचक आया आया। अभी तो डायटिशियन ने मुझे रोक रखा है, पर मैं सही बताऊं आपको, मेरा भी आइसक्रीम बहुत फेवरेट, मैं झूठ नहीं बोलता, बहुत प्रिय है मुझको। हमारे लड़कपन में भी होता था, अभी भी एक आइसक्रीम का नाम चोकोबार, बहुत प्रिय है मुझको। तो भगवान अमृत हैं, अमृत हैं, जम गए हैं, आइसक्रीम हो गए हैं, चोकोबार हो गए हैं, लड्डू हो गए, अमृत का लड्डू बन गया, घन बन गए भगवान। और अमृत ही घनीभूत होकर एक बालक बन गया है, क्या बात है। एक पुरुष बन गया सीताराम जी, अमृत हैं। मनु ने देखा, मनु को लगा कहा हा, इतनी सुंदर बालक को यदि गोद ले लेता तो कितना सुंदर बनता। हमारी अवधि भाषा में मनु कहने लगे, असमन होत उठाई ले कोरवा, असमन होत उठाई ले कोरवा, असमन होत उठाई ले कोरवा, सुंदर विश्व बिलोचन चोरवा, सुंदर विश्व बिलोचन चोरवा, असमन होत उठाई ले करवा, मन हो उठाए ले कोरवा, असमन हो कर कमलन सोहे तीर धनुहिया, कर कमलन कमलन सोहे कर कमलन सोहे तीर धनुहिया, कर कमलन सोहे तीर धनुहिया, जो घन निरखी नचत मन मोरवा, जो घन निरखी नचत मन मोरवा, असमन होत उठाई ले कोरवा, 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 क्या सुना असमन होत
कुटिल अलक लटकत मुख पर कुटिल अलक लटकत मुख पर मंद मंद मुसुकनी आय हाय नजर मत लगाना मंद मंद मुसुकनी चतुर किशोरवा मंद मंद मुसुकनी चतुर असमन राम भद्राचार्य जय हो राम भद्राचार्य निहारत झांकी राम भद्राचार्य निहारत झांकी राम भद्राचार्य निहारत झांकी रामचंद्र मुख चंद्र चकोरवा रामचंद्र मुख चंद्र चकोरवा रामचंद्र मुख चंद्र चकोरवा राम चंद्र चकोरवा असमन असमन होत उठायो कोरवा असमन होत उठायो कोरवा बोलिए भक्त सर भगवान की जय हो। मन जी ने कहा मुझे मन हो रहा कोरवा माने जानते हो अवधि लोग जानते हैं यहाँ के लोग नहीं जानेंगे कोरवा माने इसी कोरवा को गोद कहते हैं गुजराती में खोड़ा कहते हैं खोड़ा खोड़ा कहते मन मन था इच्छे कि तमने हूँ खोड़ा मारा खोड़ा मां विसाड़ी लाऊं मुझे मन होता है कि मैं आपको अपनी गोद में बिठा लूं तो भगवान ने कहा जब इतना मन हो रहा है ना तो गोद में किसको बिठा जाता भाई बताओ गोद में बेटे को बिठा जाता है तो हे राजन आप मुझको बेटे के रूप में मांग लीजिए आहा आप मांग लीजिए सकुचे बिहाई मांगुनरीप मोहि सकुचे बिहाई मांगने अधिक छूटो मोरे नहीं अधिक छूटो क्या सराम चंद्र ये हमारा चंद्रमा कितना प्यारा चंद्रमा कितना प्यारा चंद्रमा मनु ने कहा मैं आपको गोद में बिठाना चाहता असमन उठाई ले असमन उठाई ले असमन मारू मन था से कि तमने हूं खोड़ा मां उपाड़ी ने फरू अमरु मन थाई छे क्या बात है दे दिया भगवान ने कहा मैं चंद्रमा हूं चंद्रमा में 16 कलाएं होती हैं मनु आपको सब दे रहा हूं मनु आपको आज सब दे रहा हूं 16 कलाएं दे रहा हूं मैं आपको चिंता मत करिए इसलिए यहां 16
आनंद कर दिया। कहा कि आपू सरिस खो जाऊ कह जाई आप सरिस खो जाऊ कह जाई नृपतव तनय गोब में भगवान ने, भगवान तो आनंद करे नहीं। आनंद कर दिया, नृपतव तनय हो गया, मैं आपका बेटा बनूंगा। पूर्ण चंद्रमा, अब तक चंद्रमा आकाश में होते थे, आज चंद्रमा अयोध्या में आएंगे। आनंद हो गया, चकाचक हो गया। अवधन गरिया में उवली अजरिया है हर सायल जियरा। अरे उमंगल आनंद चहोर है हर सायल जियरा। उमगन आनंद चहोरे हर साल जियरा। अवधन गरिया में उवली अजरिया है उमगल आनंद चहर उमगल आनंद हर साल जियरा। उमगल आनंद हर साल जियरा। उमगल आनंद छटी गईल संकट के सिगरी बदरिया। छटी गईल संकट के सिगरी बदरिया। छटी गईल संकट के सिगरी बदरिया है हर साल। छटी गईल संकट के अरे मोद अप्रमोद नहीं ठहरे हर सायल जियरा। मोद प्रमोद नहीं ठहरे हर सायल जियरा। आनंद उमगन आनंद चहुरे हर सायल जियरा। और मिट्टी गईली बिपदा की मिट्टी गईली बिपदा की मिट्टी गईली रतिया अधरिया है। नच
मिटी गईन बिपदा की रतिया अधरिया है, गैल तामा घन घर है हर सायल जियरा, भाग गैल तामा घन घोर है हर सायल जियरा, भाग गैल तामा घन घोर है हर सायल जियरा। अरे राम भद्र चार्ज रख ले नैन की कगरिया है, राम चार रख ले नैन की कगरिया है, राम भद्राचार्य रख ले नैन की कगरिया है हर सायल। अरे राम चंद्र चंद्रमा चकर है हर सायल, चंद्र चंद्रमा चकोर राम चंद्र चंद्रमा चकोर हर सायल जियरा, मुगल आनंद चहो रहे हर सायल जियरा, ओ मुगल आनंद रामचंद्र भगवान की। क्या कहना है, जय पूरे पूरे भारत में, पूरे विश्व में जो अंधेरी रात छाई थी वो मिट गई, राम रूप चंद्रमा को आना है। अब पृथ्वी ने प्रार्थना की, सब लोग आ गए, रावण ने अधेरी रात कर रखी थी, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि हे प्रभु अब आ जाइए, अब आ जाइए प्रभु, आपके बिना सब मर जाएंगे, अमृत रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपरां। सीताराम जय सीताराम। मेरा अमृत महोत्सव एक ऐसी कथा है जिसमें जीवन के अनेक उतार और चढ़ाव हैं,
जहां समस्याएं तो आई पर मैं उनसे कभी नहीं डरा। जहां प्रतिकूलता को भी हमने अनुकूलता माना। चौदह जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की जौनपुर जिले के साणी खुर्द नामक ग्राम में राजदेव मिश्र एवं सचिव मिश्रा जहां चक्षुष्मान रूप में मेरा जन्म हुआ, पर विधाता को और कुछ करना था। जन्म के दो महीने के ही पश्चात मेरे नेत्र की ज्योति रोहुआ नामक रोग ने समाप्त कर ली, रोहुआ नामक राहु ने समाप्त कर ली, ज्योत चली गई नेत्रों की। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। 5 वर्ष की अवस्था में श्रीमद् भगवद गीता कंठस्थ कर ली। 7 वर्ष की अवस्था में श्री रामचरितमानस संपूर्ण संकंठस्थ कर लिया। बारी आई शिक्षक, प्रथम से लेकर परास्नातक पर्यंत प्रत्येक कक्षा में मैं प्रथम श्रेणी एवं प्रथम स्थान के साथ उत्तीर्ण होता रहा। 9-9 स्वर्ण पदक प्राप्त किए। चूंकि पारिवारिक संस्कार के कारण और व्यक्तिगत विचारणाओं से भी मुझे प्रवचन में बहुत रुचि थी, इसे कथाओं का क्रम मेरा चल पड़ा। यहां ध्यातव्य होगा कि मैंने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से PhD विद्यावारिधि और डीलिट वाचस्पति की उपाधि प्राप्त की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मुझे सीधे विभागाध्यक्ष पद पर स्थापित होने के लिए नियुक्ति पत्र भी दे दिया। मैंने उसे फाड़ कर फेंक दिया। मुझे व्याकरण से बहुत रुचि थी और चित्रकूट से अनुराग। चित्रकूट में सद्गुरु संघ का मंच बहुत प्रसिद्ध था। मैं कह सकता हूं वह भारत का एकमात्र मंच था। वहां कोई भी वक्ता एक ही बार प्रवचन करने आता था, परंतु मैंने 2 बार वहां कथा की। लोग बहुत प्रभावित हुए। अब साधना का क्रम भी चल पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, पय आहार फल खाए जपो, राम नाम सतमास सकल सुमंगल सिद्धि सब करतल तुलसीदास।
मैंने 6 महीने के पयोव्रत अनुष्ठान 10-10 किए। और मुझे सामाजिक सेवा में भी बहुत रुचि थी और मेरी प्रत्येक संकल्पना में साथ देती रही मेरी बड़ी बहन संप्रति साकेत वासिनी, अर्थात अब शरीर से भी नहीं है, साकेत वास में है, डॉक्टर कुमारी गीता मिश्रा, उनको मैं नहीं भूल सकता। हमने चित्रकूट में तुलसी पीठ की स्थापना की 1986 में और 24 जून 1988 को काशी विद्वत परिषद तथा तीनों अखाड़ों ने, चतुष संप्रदाय ने, विद्वत समाज ने सर्वसम्मत से मुझे जगद्गुरु रामानंदाचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। मेरा स्वभाव राष्ट्रदेव भव की भूमिका में भी मुखर और अग्रसर रहा है। उन दिनों राम जन्मभूमि का आंदोलन भी चल रहा था, विधाता की इच्छा, एक साथ में मुझसे कितने कितने काम करवाना चाह रहे हैं या चाह रहे थे, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। राम जन्मभूमि के 75 आंदोलन विफल हो चुके थे, यह 76वां आंदोलन था। 6 अक्टूबर 1984 का दिन बहुत महत्वपूर्ण और एक विचित्र घटना के साथ मेरे जीवन से जुड़ रहा था। जब मैं स्वर्गीय अशोक जी सिंघल, स्वर्गीय अवैद्यनाथ जी महंत गोरक्षपीठ, स्वर्गीय परमहंस रामचंद्र दास, इन सब ने मिलकर फिर से राम जन्मभूमि के आंदोलन का प्रारंभ किया। हम लोगों ने निरंतर निर्णय ले लिया था कि कार्यम वा साधेयम, देहम वा पातेयम। हमारा सूत्र था लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। ताला खुला, एक भूमि पूजन भी हुआ और धीरे धीरे इस आंदोलन ने आक्रामक रूप ले लिया।